बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नबील महमूद एसोसिएट क्लास से लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की तरफ से मैं कैंडिडेट हूं और मेरी तमाम ताजर बरादरी से गुजारिश है कि वो हमारी भरपूर सपोर्ट करें क्योंकि हम एक माफिया के ख़िलाफ़ निकले हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ निकले हैं जिन्होंने 16 साल से इस चैम्बर के काबिज़ हैं और इन्होंने इस चैम्बर को मिस यूज़ किया है, गलत इस्तेमाल किया है, जिसकी मिसाल ये पिछले ही साल में हमने वीज़ा फ़ीस इनसे वापस दिलवाई, इन्होंने जो फीसें ज़्यादा की डबल की थी वो कम करवाई, हमने जब हड़ताल हुई ताजरों पे टैक्स लगा उसके लिए हम बाहर निकले, इन्होंने उसकी के ख़िलाफ़ चले और इन्होंने अब तक जितना भी ये एक माफिया है और हमारा मुकाबला एक माफिया के साथ है। आप ताजरों ने छोटे ताजर हमारे लिए एक ताजर भी जो एक दुकान का काम कर रहा है जो एक अरब का काम कर रहा है हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारी जो सोच है वो सब के लिए यकसा है क्योंकि ये मरकज़ है, चैम्बर मरकज़ है तमाम मार्केटों का तमाम अदारों का और यहाँ पे बैठ के फैसले होते हैं, यहाँ पे बैठ के जो बजट बनाए जाते हैं वो इनकी मशावरत से, लेकिन आज तक इन्होंने यहाँ पे सवाए ज़ाती मफादात के कुछ काम नहीं किया। लेकिन हमारा जो अल्लाह का शुक्र है लाहौर बिजनेस फ्रंट का जो हमारा चौधरी अमजद साहब की तरफ से जो उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाई है इस कॉज़ के लिए कि हमने सबको बराबरी का हकूक देने हैं, सबके लिए बराबरी का, गवर्नमेंट के जो हुकूमत हो जो अदारे हो सब अपनी अपनी हद में रह के, अब जो टैक्स का मसला है हम इंशाल्लाह भरपूर फाइट करेंगे और आखिरी हद तक फाइट करेंगे, जो नजायज़ टैक्स हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं उनको ख़त्म करवाएँगे, ये हमारी एक जो मिशन है जो हम ले कर चले हैं और इंशाल्लाह ताला ये 24 सितंबर LBF की कामयाबी का दिन होगा और ताजरों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि इनके लिए एक अच्छी क़यादत आ रही है जो इनके मसाइल इनका दर्द महसूस करते हुए इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी।